मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य व पश्चिम नागपुर में 1 करोड़ जब्त, जांच शुरू। नागपुर चुनाव आयोग के गश्त दल ने मध्य नागपुर में की गई एक कार्रवाई में एक वाहन से 75 लाख रुपए और पश्चिम नागपुर में की गई दूसरी कार्रवाई में 25 लाख रुपए जब्त किए है। यह रकम किसी के लिए कहाँ से लाई गयी, इसकी जांच की जा रही है। चुनाव के दौरान नकदी और शराब के परिवहन की जांच के लिए आयोग के दस्ते कार्यरत है और लगातार पूरे जिले में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स, अमरावती विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष निर्भय बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। संभाग के 5 जिलों में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की 27 कंपनियां मतदान प्रक्रिया निपटाने तक तैनात कर दी गई है। आज होगी चुनावी खर्च की जांच। नागपुर भारतीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार उत्तर नागपुर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की जांच 15 और 19 अक्टूबर को की जाएगी। खर्च निरीक्षक सुब्रज्योति चक्रवर्ती जिलाधिकारी कार्यालय स्थित बचत भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिस किसी उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधियों को खर्च संबंधित कोई शंका है तो वे खर्च निरीक्षक से मुलाकात कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अपना चुनावी खर्च का लेखा जोखा प्रशासन तक नहीं पहुंचाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाई ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।